रायगढ़ जिले में स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। गिरवानी स्थित माँ काली अलायंस उद्योग में कन्वेयर बेल्ट में फंसने से ऑपरेटर की मौत हो गई। युवक नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। मृतक का नाम राहुल सिद्धार्थ बताया जा रहा है। बोरवेल के बिल पास करने के एवज में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। एसीबी ने गरियाबंद जनपद सीईओ डिप्टी कलेक्टर करुण डहरिया को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जनपद सीईओ डिप्टी कलेक्टर करुण डहरिया ने बोरवेल का बिल पास कराने के एवज में 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। शुक्रवार को आरंग में सीआरपीएफ कैंप की बस और एक ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 सीआरपीएफ जवान बुरी तरह से घायल हो गए। घायल हालत में बस में फंसे जवानों को लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। महासमुंद जिले में स्थित बागबहरा के प्रसिद्ध देवी स्थल माता खल्लारी के मेन मंदिर में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चोर मंदिर में घुसे और फिर माता जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मंदिर में रखी दान पेटी समेत कई सामान को लेकर चलते बने। चोरों की यह चोरी मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एसीबी की टीम ने बिलासपुर में एक फॉरेस्टर को गिरफ्तार किया है। फर्नीचर दुकान के लाइसेंस की म्याद खत्म होने पर लाइसेंस नवीनीकरण के लिए फॉरेस्टर गजेंद्र गौतम ने 50,000 रुपए की मांग की थी। 21,800 रुपए प्रथम किस्त के रूप में दिया गया था। दूसरी किस्त के रूप में 16,200 रुपए की मांग किए जाने पर ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर एसीबी में शिकायत की गई थी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के दौरान विधायक शकुंतला साहू बाल बाल बच गई। दरअसल विधायक युवतियों के साथ बलौदा बाजार में कबड्डी खेल रही थी। इसी दौरान खेलते हुए खिलाड़ी को पकड़ते वक्त वह जमीन पर मुंह के बल गिर गई। हालांकि इससे उन्हें कोई गंभीर चोटें नहीं आई हैं। धमतरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला पैदल अस्पताल जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक चालक ने पीछे से महिला को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि महिला का एक हाथ कटकर अलग हो गया था और उसका भेजा बाहर आ गया। बलौदा बाजार भाटापारा जिले के ग्राम खोखली में महिला की कत्ल की गुत्थी को ग्रामीण थाना पुलिस ने सुलझाते हुए इस हत्याकांड के आरोपी नाबालिग लड़के के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। यह हत्या लकड़ी चुराने को लेकर की गई है। हालांकि आरोपी ने इस मामले को दुष्कर्म और लूट के रूप में देने का प्रयास किया था। 4 दिनों तक 50 सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। शक्ति जिले के कुलबा ग्राम पंचायत सचिव के साथ मारपीट हो गई। सचिव को उसके ही गांव के एक शख्स ने अपने 15 से 20 साथियों के साथ पीटकर मारा। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। इसके चलते यह वारदात भी है। आरोपियों ने घर में घुसकर सचिव को जमकर पीटा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला फागुराम चौकी क्षेत्र का है। जांजगीर जिले के पांपड़ पुलिस टीम पर प्राणघातक हमला करने में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना में प्रयुक्त लाठी डंडा भगाने में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन बरामद कर लिया गया है। बता दें कि डीएसपी हेडक्वार्टर निकोलस खलको के नेतृत्व में थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे, एएसआई शिव चंद्रा और 4-5 पुलिस कर्मी सेमरिया गांव के सबरिया डेरा में शराब पकड़ने के लिए जहां इन पर हमला हो गया था। सरगुजा जिले के पतौली थाना क्षेत्र में बांजा झाल में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। कर्ज बोझ से परेशान पिता ने अपने दोनों पुत्रों के साथ जान देने का प्रयास किया। इसमें छोटे पुत्र की मृत्यु हो गई। मामले का रहस्य उद्घाटन होने पर पतौली पुलिस ने आहत पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर शहर के नमनाकला रिंग रोड पर खड़ी ट्रक के केबिन में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। चालक व कंडक्टर ने कूद कर अपनी जान बचाई। घटना पेट्रोल पंप के नजदीक होने के कारण रहवासी भयभीत थे, लेकिन दमकल की टीम ने
समय रहते आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। रायगढ़ जिले में संपत्ति संबंधी अपराध लूट चोरी नकाबजनी की वारदात बढ़ गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी व अन्य पहलुओं की जांच पर कोतवाली पुलिस ने दो लूट पाट के वारदात को राजपास करते हुए दो युवकों को धर दबोचा है। आरोपियों द्वारा लूटा हुआ एप्पल कंपनी का आईपैड, एप्पल कंपनी का मोबाइल, नकद रकम और घटना में प्रयुक्त स्कूटी को पुलिस ने जब्त किया है। रायपुर के टिकरापाला थाना पुलिस ने ज्यादा ब्याज पर रुपए उधार देकर वसूल करने पीड़ित महिला से मारपीट पर चाकू से हमला करने वाली लेडी डॉन सबाना, जो अवैध शराब व ब्याज का काम करती है, उसके दो गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेमेतरा कवर्धा रोड में मानपुर पिकरी वार्ड के मोड़ किनारे स्थित गोठान में एक ट्रक सड़क किनारे लगे लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए सांस्कृतिक मंच में घुस गया। ट्रक की ठोकर से सांस्कृतिक मंच गोठान के पास पहले से खड़ी दो बोलेरो वाहन क्षतिग्रस्त हो गई। बेमेतरा पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बस्तर जिले के परपा थाना क्षेत्र में ई कॉम कुरियर कंपनी के सुपरवाइजर से करीब 1,70,000 रुपए की लूट हो गई। युवक ने थाने में चार अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले की पड़ताल में पता चला कि युवक ने खुद के साथ लूट होने की झूठी कहानी बनाई और कंपनी के पैसे को अपने शौक पूरा करने में खर्च कर रहा था। परपा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कांकेर जिला आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में महिला का शव दफनाने को लेकर जमकर हंगामा हो गया। धर्म परिवर्तन कर चुकी महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे दफना दिया। जब लोगों को इस बात का पता चला तब जमकर हंगामा हुआ। महिला के शव को खोदकर बाहर निकाला गया और ईसाई कब्रिस्तान में दफन किया गया। ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला टीचर का पिता बच्चियों के साथ छेड़खानी करता था। जब यह बात परिजनों को पता चली तो उन्होंने जामुल थाने में शिकायत कर थाने में जमकर हंगामा किया। इसके बाद सीएसपी छावनी प्रभात कुमार ने मामले को शांत कराया और खुद आरोपी शहादत हुसैन को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दीपावली के समय कबाड़ी ठेला वाले को संदिग्ध सामान बेचने वाले राजा सहनी उर्फ बड़े बाबू को पकड़कर पूछताछ कर चोरी का टुल्लू पंप बरामद कर लिया गया है।